ମସଲାରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼, ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ଖାଉଛେ ସେ ମସଲାରେ ଯଦି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ଟି ରହିଛି ସେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କାଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ, ସିଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। କାରଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ହଂକଂରେ MDH ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟର କିଛି ମସଲା ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ମସଲାରେ କୀଟନାଶକ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। MDH କମ୍ପାନୀର 3 ମସଲା, କରି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ସମ୍ବର ମସଲା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଏଭରେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଫିସ୍ କରି ମସଲାରେ କୀଟନାଶକ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ଥିବାରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଥିରୁ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କେମିତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି ତା'ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି ବା ତାକୁ କାହିଁକି ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୀ, ସ୍ୱାଗତ ହେ ହମାରେ ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ। ଆପସେ ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ କି ଯେଉଁ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ହେ, ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କା କ୍ୟା ୟୁସେଜ କ୍ୟା ହେ ମସାଲୋ କେ, ମସାଲେ ମେ ଅର୍ ଉସକା ହମାରେ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କା ଶରୀର କେ ଉପର କ୍ୟା କୁପ୍ରଭାବ ରହିତା ହେ। जी मैं बताना चाहूंगा, अभी ये 2-3 दिनों से ये काफी ज्यादा जो है न्यूज में भी आ रहा है, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इसमें बेसिक ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जो कि फूड में डायरेक्ट यूज के लिए अथराइज नहीं है, बट लोग इसको क्या है कि फूड में माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम करने के लिए डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। बेसिकली इट इज यूज फॉर फ्यूमिगेंट, एज अ फ्यूमिगेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अभी क्या हो रहा है कि इसकी जो लिमिट है, जो भी फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं, चाहे वो सिंगापुर फूड सेफ्टी नॉर्म्स हो, चाहे ये आपके हांगकांग फूड सेफ्टी नॉर्म्स हो, उसमें इन्होंने जो है एक लिमिट के बाहर जो है इसको यूज कर लिया है। जब इसको स्टरलाइज करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन कम करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इंडिया में भी जो लिमिट एक बताई गई है 0.01 mg पर केजी से लेकर 0.05 mg पर केजी, तो इससे ज्यादा जो चली गई है तो वो जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस है एंड इनफैक्ट इट इज अ कार्सिनोजेनिक। प्रदीप जी, ये तो जो मसाले हम लोग यूज करते हैं वो हर्बल चीजों से बनाए जाते हैं, फिर भी जो पेस्टिसाइड कह रहे हैं, पेस्टिसाइड कहाँ से आता है और एथिलीन ऑक्साइड उसमें क्यों मिलाया जाता है? देखिए सर, एक्चुअली जो भी अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या हर्ब्स है या हमारे स्पाइसेज हैं, उनमें जब ये हमारे प्लांट से निकलते हैं तो उनमें फ्यूमिगेशन के तौर पे हम एथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं, जिससे कि हम माइक्रोबियल लोड को कम कर सके, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोक सके, मतलब मसाला ज्यादा दिन रहे, इसी वजह से जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं एज अ फ्यूमिगेंट, एज अ फ्यूमिगेंट बिकॉज इट इज अ गैस, एज अ फ्यूमिगेंट इसको यूज करते हैं। और अगर आप देखें तो ये एक पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आता है जो कि हमारा ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक, जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च में आइडेंटिफाई किया गया है कि ये हमारे जो पेस्टिसाइड है जो कैंसर को बढ़ाने में सहायक है, उसमें ये ग्रुप 1 में कैटेगराइज की गई। उसके उसके अलाउड लिमिट क्या है? अलाउड लिमिट में जो मेरा कंसर्न है, जो एज पर एज नॉलेज एंड दिस फूड सेफ्टी नॉर्म्स जो बता रहा है, उसमें 0.01 mg पर केजी से लेकर के 0.05 mg पर केजी है। ये भी डिपेंड करता है स्पाइस की कैटेगरी पर कि कौन सा स्पाइस है, बट 0.1 से लेकर 0.05 के बीच में होता है, वो अलाउड लिमिट है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हमारा मसाला खराब ना हो, एक्सपोर्ट में जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो 40 से 45 दिन ट्रांजिट पीरियड भी लगता है मॉइस्चर कंटामिनेशन की वजह से, इनहाउस जो है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन पैदा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए लोग जो है जो लिमिट है उससे भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। अभी आपका अगर देखें तो 30 सितंबर 2021 को स्पाइस बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की थी
इसी के लिए कि रिड्यूस माइक्रोबियल कंटामिनेशन को एथिलीन ऑक्साइड का क्या तो होगा। ये नेग्लिजेंस सीधा सीधा कहा जा सकता है कि नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब जानबूझ के ही ऐसे कर रहे हैं, तो इसका नुकसान खाली ये हांगकांग और सिंगापुर जैसे बैन किया है वो नहीं है, जहाँ पे भी यूज़ होता है वो सारे इस डेंजर में आते हैं, डेंजर जोन में आते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जो भी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है मसाले को, एज पर एज स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो उन्होंने ईटीओ का गाइडलाइन दिया है उसको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपोर्ट में हमें 3 या 4 पॉइंट का जो है ध्यान रखना चाहिए, जैसे एज ए स्पाइस कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है, नंबर वन HACCP हजार एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, एक हमने एक गाइडलाइन बनाई है उसको जो है ईटीओ के लिए हमें क्या क्या हैजार्डस पॉइंट्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको मिटिगेट करना चाहिए। दूसरा, जो हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं जी, रॉ मटेरियल हम लोग प्रोक्योर करते हैं स्पाइस के लिए, वहां पे जो एथिलीन ईटीओ का यूज किया गया है वो किस लिमिट पे यूज किया गया है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं वहीं से कि वहां पे हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर है या बाहर है। दूसरा, स्टोरेज हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, इसमें कहीं भी ईटीओ का यूज नहीं होना चाहिए, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी स्पाइस बोर्ड की लेबोरेटरी है वो उसकी लिमिट को आइडेंटिफाई करें, उसको मटेरियल को रिजेक्ट यहीं से करें वेदर गोइंग इनटू द मार्केट, 0.1 मिलीग्राम पर केजी से लेके 0.05 के बीच में ही अतराई जाए। तो ज़्यादा मतलब चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए ताकि लोगों के पास ये जो ज़्यादा पेस्टिसाइड वाला या फिर ईटीओ जो एथिलीन ऑक्साइड वाला मसाला ना पहुँचे, ताकि लोग सुस्त रह सकें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।